आप नेक बनना चाहते हैं, आप रिस्क कमाना चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, आप नेक हम सफर चाहते हैं, आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, आप जन्नत अल-फिरदौस में जाना चाहते हैं, आप अपनी परेशानी का हल चाहते हैं, आप अपनी जायज दुआओं की कबूलियत चाहते हैं। पिक अप एंड प्रे तहज्जुद, ये हर चीज़ के लिए काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह तब पहले आसमान पे तशरीफ़ लाता है और अल्लाह तब खुद कहता है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्शूँ, कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अदा करूँ। जिसका एहतमाम है तहज्जुद का, दे आर सो लकी पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ज़माने जहलियत में अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत के साथ और उसके खौफ से तहज्जुद अदा करना बहुत बड़ी बात है, और खुद रिजल्ट देख रहे हैं कि इसके पढ़ने से कितना फ़ायदा हुआ है। और दे आर सो हैप्पी फॉर प्रे तहज्जुद एंड इट्स एन इनविटेशन, अल्लाह जिसको नरम बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर खड़ा करना चाहता है वही तहज्जुद पढ़ सकता है। बाकी उसके बुलावे के बगैर, उसकी तौफीक के बगैर तो हम कलमे वाले मुसलमान भी नहीं रह सकते। सो कोशिश करें पढ़ने की, इससे वेरी फ़ायदेमंद। अल्लाह हम सब के दिल में इस नमाज की अहमियत डाल दें और हमें इसे पढ़ने की तौफीक अदा करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।